नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीकी न्यूज। ना किसी को खबर थी, ना पहले से कोई प्लानिंग, ना ही कोई शेड्यूल दौरा, बस अचानक कुछ तस्वीरें सामने आई और तब पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पार्लियामेंट में एक घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया और अलग अलग कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का अवलोकन किया। बिल्डिंग को बनाने वाले वर्कर से भी मोदी ने जानकारी ली। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया था। नए भवन की अक्टूबर 2023 तक संसद के शीतकालीन सत्र को पूरा करने की उम्मीद है। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा। नई इमारत को 150 से अधिक वर्षों के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रस्तावित कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बड़ी बैठकों की क्षमता होगी, क्योंकि भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणाम स्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। वर्तमान संसद भवन के विपरीत इसमें केंद्र कक्ष नहीं होगा। संयुक्त सत्र के मामले में लोकसभा कक्ष 1,272 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम होगा। शेष भवन में मंत्रियों के कार्यालय और समिति कक्ष भी 4 मंजिले की होंगी। मोदी के सरप्राइज विजिट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।